उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत से यानी कि बांग्लादेश तक का सफर साइकिल से और वो भी महिलाओं का अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और ये कर दिखाया है दो इन लड़कियों ने जो अब 7 स्टेट कवर करने के बाद बांग्लादेश तक जाएंगी। सबसे बड़ी बात है अपर्णा यादव जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनको मिलवाया है और इस इनिशिएट को आगे बढ़ाया है और साथ साथ इन महिलाओं के साथ खड़ी हैं। हम उनसे पहले बात करते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि आप आज महिलाओं से जो बीच में खड़ी हैं और ये एक लंबा सफर तय करने जा रही हैं, किस तरीके का ये अनुभव और कौन लोग हैं, किस आपने मिलवाया है? सबसे पहले तो मैं दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे देश के जवानों के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है। आज सविता और अनामिका, ये बच्ची बिहार से है और ये हमारी बच्ची जो है उत्तराखंड से है, दोनों ही भारतीय हैं और जो मैसेज है इनका ये बहुत बड़ा है कि हमारे देश में बच्चियों को कोई कम ना समझे। बच्चियां 3,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगी, 7 स्टेट कवर कर रही हैं और अभी ये उरी जहाँ पर फिल्म भी बनी है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुकी है, वहाँ से इनकी जर्नी कंटिन्यू हुई है और यहाँ आज ये लखनऊ आगमन हुआ है इनका। मैं पूरे लखनऊ शहर की तरफ से, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से इन दोनों बच्चियों का स्वागत करती हूँ और इनको आज दोनों बच्चियों को महाराज जी का आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है योगी जी का और दोनों को जो है उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यहाँ से हैंस फोर्थ यहाँ से जो जर्नी होगी वो स्टेट मतलब टेक केयर करेगी इनका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से ये लोग अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से फिर छपरा बलिया जाएंगे, बलिया से फिर छपरा जाएंगे और उसके आगे कमान तक यानी बांग्लादेश तक ये अपनी पूरी जो है यात्रा कंप्लीट करेंगे इसी मैसेज के। मैम, आपने इनिशिएट किया है, क्या वजह से? चूँकि आपको देखा गया, वैसे तो महिलाओं के लिए करती रहती हैं आप, लेकिन आप निकल कर सामने आई और सीएम से मुलाकात करवाई। मुझे लगता है कि देखिए दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों के पास दोनों के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे पर इनकी जो अपनी जान पहचान थी, दोनों पर्वतारोही हैं, दोनों साइक्लिस्ट हैं, तो ये बच्चों को ऐसे इनकरेज करना चाहिए। अगर हम जैसे युवा अपनी पीढ़ी को, अपने युवाओं को, देश के युवाओं को आगे अग्रसर रूप से नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन आएगा बढ़ाने के लिए? और मुझे लगता है कि मैं नेता होने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इन बच्चों की किसी भी हैसियत से मदद कर सकूँ तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। और दोनों ही बच्चियाँ हैं, मेरा दोनों के साथ आशीर्वाद है, शुभेच्छाएँ हैं कि ये दोनों बहुत अच्छा करें, भारत का नाम रोशन करें। अनामिका ने हमारे यूरोप में सबसे हाईएस्ट पहाड़ियाँ एल्बस जो है फतेह किया है, 14 में से 8 सबसे जो है हाईएस्ट पीक्स जो हैं इन्होंने करी हैं और ये बच्ची भी जो है लद्दाख में सबसे पहली लड़की है, मतलब मैं तो समझूंगी कि कोई लड़का भी बेटा नहीं है शायद वहाँ पे, लड़का तो बहुत दूर की बात है, एक लड़की ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। और बाकी की जर्नी के बारे में ये दोनों बच्चे जी हम इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। सविता, आप ये बताइए कि क्या मकसद है इस पूरी साइकिलिंग का और क्या मैसेज है आपका और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हमारा जो मैसेज है वो है एक और अ गर्ल विद रेवोल्यूशन इज चेंज। अगर हर लड़की अपने आप में क्रांति लाए तो बदलाव है। और बात होती है जहाँ मोटिवेशन की, तो अपना मैम जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है मैम, मतलब हमारे साथ ही कई प्रॉब्लम हुई। और दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ से कमान अमन सेतु से स्टार्ट किया है और हम कंप्लीट करेंगे इसको ढाका बांग्लादेश में, तो 3,000+ साइकिलिंग ड्यूरेशन है हमारा और डेज 25 डेज लगेंगे हमको इसमें कंप्लीट करने में। जी, और भी उनसे भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंबिका। ये बताइए कि आपका जो सफ़र है, आज से भी आप मिली अपर्णा यादव जी, आपको लेकर भी गई थी, ये सफ़र कैसे देखती हैं पूरा और क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज एक मतलब आम लड़की के लिए ये यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपर्णा दी को जिन्होंने हमें आज इस मुकाम में यहाँ पे पहुँचाया है, क्योंकि योगी नाथ जी एक अपने स्तर में भी और लखनऊ में भी बहुत मतलब सीएम स्तर में है, तो उनसे मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी सुरक्षा आगे रहेगी। इस जो ठंड है बहुत तेज है इस समय, हवाएं सर चल रही हैं, लोग अपने घरों में, लेकिन आप लोग बाहर चल रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की भी महिलाओं के लिए एक मैसेज रहेगा आप लोगों का? चूँकि आप बांग्लादेश तक जाएंगे, एक बड़ा सफ़र है, और क्या आपको सिक्योरिटी और सुरक्षा को लगता है जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में?
जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं को मैसेज जाएगा क्योंकि घर बैठने से अच्छा कुछ अपना अगर आपका कुछ एम है जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे वो पूरा नहीं होगा। थोड़ा आपको मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन अगर आपने एक स्टेप आगे रखा है तो आप अपने लक्ष्य तक पूरा पहुँचते हैं। जी थैंक यू। तो साफ तौर से ये दो वो लड़कियाँ हैं जो भारत से चलकर बांग्लादेश तक जाएंगी और उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव ने उनको सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलवाकर कहीं ना कहीं अब आगे का सफ़र और आसान कर दिया है। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से दो महिलाएं अपना ये सफ़र तय कर रही हैं कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज महिलाओं के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।